सो गाइस टुडे मैं आपको बताऊंगा अपनी एक फोर स्ट्रोक ब्रश कटर के बारे में, हम इसको असेंबल किस तरह करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो पार्ट्स होते हैं इसके, ए तो फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक में फ़र्क ही होता है कि टू स्ट्रोक में होता है आपको मेंटेनेंस नहीं करते, आपने ऑयल और मिक्स करके टैंक में डालना है, वापस चलाना है उसको। लेकिन फोर स्ट्रोक में ये होता है, फोर स्ट्रोक में आपको डालना होता है ऑयल इस तरफ में 40 ml 40 ml और इसमें आपने डालना होता है फ्यूल। ये होता है फोर स्ट्रोक इंजन, इसके नीचे एक बल्ब होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ना, इसको आपने तीन चार बार पुश करके आपको इसमें से पेट्रोल अंदर सक करवाना होता है। फिर आते हैं आपने जो हैंडल लगाने होते हैं, उस दो साइड होते हैं, एक ये साइड एक इस, हमने इस पोजीशन में लगाना है। ये चार नट खुलेंगे इस छोटी एल की के साथ, खुल के लूज़ होंगे, आपने फिक्स करके आपने उसको ऊपर की तरफ करना है, ऊपर की तरफ करके दोनों फिक्स कर आपने एल की से चार नट वापस बंद कर देना है। फिर आती हैं दो वायर्स होती हैं, ब्लैक और रेड ये लगा कर, फिर जो एक्सीलेटर वायर होती है आपने यहाँ पर फंसानी होती है, यहाँ पर फंसा कर फंसाएंगे तो देखें ये भी काम कर रही है, एक्सीलेटर वायर इसकी यहाँ फंसानी होती है आपने। ये चार नट आपने इसके अंदर लगाने होते हैं एलन की मदद से लगा कर इसको फिक्स करके, आपने उसको इस तरफ फिक्स करना होता है कि इसकी ताकि जो वायर हो ना ऊपर की तरफ हो और ये प्लास्टिक की बॉडी जो सपोर्ट नीचे की तरफ से हो और आपकी इस तरह लुक होना चाहिए। फिर आता है आपके ये वाला फ्लैप, ये फ्लैप लगाना होता है, आपने एक क्लिप मिलता है, आपको दो नट मिलते हैं, आप बड़ी एलन की से लगा फिक्स कर देते हैं इसमें। फिर आप है ना ये जो हमारा सर्कुलर है वी ट्रिपर में आपने लोगों को बताया है कि इसके नीचे होते हैं चार नट ये खोल के, सो तीन नट होते हैं, तीन नट खोल के आपने ये प्लीज फिक्स करनी होती है। फिर बर्ड डायल होता है, बर्ड डायल लगा कर फिर ब्लेड लगाना है इस पोजीशन में लगा कर, फिर आपने लगाना होता है छोटा डायल लगा के आपने नट को एक बार फंसाना होता है इसमें, क्या कहते हैं होता है यहाँ पर एक होल होता है, इस होल में फंसा कर तो आपने फिर इसको टाइट करके फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज नट को घुमाना होता है, एंटी क्लॉकवाइज नट को घुमाकर तो फिर आप क्या करते हो आप इसको टाइट करते हो एक वंस टाइट हो जाता है फिर ये अपनी जगह फिर से फिट हो जाता है, फिर आप इसको रेडी टू यूज़ होता है। दूसरा ये होता है कि आपने ये जब फिक्स करना होता है ना इसको फेस टू वर्ड अपवर्ड्स करना होता है, यहाँ इसके होते हैं दो नट फिक्स करके ये अपनी चीज़ लगा देनी होती है ताकि आपका रॉड स्मूथली चले। बाकी ये होता है कि आ जाते हैं इंजन पे ना, इंजन पे ये होता है कि इसके दो वायर्स होती हैं, ये पेट्रोल की, ये फ्यूल की वायर, ये भी फ्यूल की वायर है, ये एयर की वायर है, ये कॉर्ड ऊपर होना चाहिए, यहाँ फ्यूल डालते हो ठीक है, ज़्यादा फ्यूल डाल लेकिन थोड़ा कर डाले ना तो आपको मतलब यूज़ हो जाए, ख़त्म होने वाला थोड़ा यूज़ के मुताबिक आप डाल लेना इसमें। फिर आपने ऑयल गेज अपनी चेक करनी होती है कि आपको ऑयल अभी ये आप देख सकते हैं ये इसका ऑयल है तो ये ऑयल आपने फिक्स करना होता है, ऑयल फिक्स करके तो डेट सेट इट्स रेडी टू यूज़। ये इसको सॉफ्ट पार्ट हो यहाँ दो बेल्ट लगा कर ये वायर लगा कर आपका ब्रश कटर हो जाता है रेडी टू यूज़। ये फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक थोड़ा बेटर होता है, टू स्ट्रोक में आपको मेंटेनेंस वगैरह नहीं होती, फोर स्ट्रोक में आपको थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह करनी होती है, तो यही मेन डिफरेंस होता है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है।